हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैश टैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में दोस्तों मैं हूं आरती और आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड की दोस्तों अभी अभी एक इंस्टीट्यूट ने एक नोटिस निकाला है स्टे वैकेंसी के लिए काउंसलिंग के लिए स्ट्रे वैकेंसी नोटिस इंस्टीट्यूशनल ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग यू मेडिकल एम एडमिशन ट्वेंटी फॉर अनफिल्ड जनरल एम जी एम टी सीड्स तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जे -स -स की जे एस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ये आपकी मैसूर में है और एज पर डायरेक्शन एंड कैलेंडर ऑफ इवेंट्स अनाउंस बाई एम सी सी ऑफ डी टी एच रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्री वैकेंसी ट्वेंटी ट्वेंटी दस अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर डीम टू बी यूनिवर्सिटी इनवाइटर का मोपा राउंड ऑफ काउंसलिंग ट्वेंटी ट्वेंटी दोस्तों इसमें जो येलो पार्ट है इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि कहाँ पर आपकी काउंसलिंग होनी किस तारीख को होनी है बारह जनवरी को ही यहाँ पे भी काउंसलिंग होगी और ये ऑफलाइन मोड में होगी और द वैकेंट सीट्स इन यू जी एम बी बी एस प्रोग्राम एंड द काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ एम सी सी ऑफ डी जी एच एस एलिजिबिलिटी देख लीजिए द एम सी सी रजिस्टर्ड एंड अलॉटेड कैंडिडेट्स आर ओनली एज एलिजिबल Uh, for registration and participation for institutional offline mop-up round of counselling 2020 for the vacant seats followed by counselling and seat allotment, which will be done on inter, inter SI merit in need UZ 2020 all India rank. Candidates' name details should appear under need qualified and allotted candidate list to be shared by MCC of DGHS. MCC पे जो आपके candidate list Ani है need NEET, ki, उसको आप जो है उसका आउट निकलवा लीजिएगा वही आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए काम करेगी वो भी आपको ले जानी जरूरी है एलिजिबिलिटी में द डिटेल्स ऑफ द टोटल सीट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द एडमिशन इन द शेड्यूल्ड इंस्टीट्यूशनल ऑफलाइन मोपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एम बी बी एस की केवल यहाँ पर तीन सीटें हैं दोस्तों लेकिन इन तीन सीट्स के लिए काउंसलिंग होनी है बारह जनवरी को सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक होगी मंगलवार को और काउंसलिंग शेड्यूल जो है ग्यारह बजे के बाद आ जाएगा और वेन्यू है जे एस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जे मेडिकल कॉलेज इसी कैंपस में होगी मैसूर के एसएस नगर में और uh, सुबह दस बजे से होगी नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगनी है लिस्ट ऑफ़ अनअलाटेड कैंडिडेट्स विच इज़ रिसीव फ्रॉम एमसीसी ऑफ डी अपलोडेड इन वेबसाइट आप वेबसाइट से जो अनअलॉटेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट रिसीव uh, कर सकते हैं अब क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ Candidates attending institutional offline mop up round counseling should satisfy the eligibility requirements as the NEET information brochure. The seats will be allotted through institution offline mop up counseling based on the inter-AC merit in NEET UC All India rank or scale of candidates should sign the attendance register to mark their presence. Candidate will be called as. Per their NEET UZ 2020 All India rank of document verification successfully. Candidates will be allotted seats according to their All India NEET UZ rank based on the number of seats available under All India category. JSS Academy of Higher Education and Research will not entertain any request for extension regard fee payment. Absence of the candidate at the indicated reporting time and date will result in the uh, in sustenance failure of any claim for a seat. और फ़ीस के बारे में भी दिया हुआ है इसमें एम बी बी एस कोटा की जो फ़ीस है ट्यूशन फ़ी है वो तेरह लाख पचास हज़ार रुपये है और अदर फी जो एक साल के लिए पड़ेगी वो एक लाख पच्चीस हज़ार है तो टोटल आपकी एक साल फी एक साल की फ़ीस हो गई चौदह लाख पचहत्तर हज़ार तो कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू पे द फीस इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट सीट अलॉटमेंट के बाद तुरंत आपको फ़ीस जमा करनी होगी हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर अलग से दिया हुआ है मेल के लिए है एक लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ तीस रुपए फीमेल के लिए वन लैक फोर्टी एट थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव रुपीज इसके बाद कुछ नोट और दिए गए हैं आरोग्य सेतु ऐप वगैरह आपको आपको जैसा कि पता है कोरोना पीरियड है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आपको मांगी गई है आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए आपके मोबाइल में ऑल द कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स शुड कंपल्सरी वेयर मास्क तो इस तरीके के कुछ नोट हैं इसमें और दूसरी चीज एक लास्ट पेज पे वार्निंग भी दी हुई है काइंडली नोट बी दी ऑल दी कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट शुड देयर वेयर मास्क और वार्निंग ये है कि एप्लीकेंट्स आर वार्ड अगेंस्ट पॉसिबल चीटिंग बाय अनस्कस एजेंसीज दैट मे पुट आउट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज पेपर आर अप्रोच बाय अदर मीन्स तो इसमें किसी भी तरह की चीटिंग ना हो कोई भी आप डॉक्यूमेंट फर्जी ना ले जाएं द डीम टू बी यूनिवर्सिटी विशेष टू अथॉरिटी फीचर ऑल सच मिसलीडिंग फॉल्स क्लेम्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स वी हैव टू एजेंट्स are middlemen for admission all admissions are subject to fulfillment of the eligibility conditions by the candidate if it is found a large stays little state during active verification that the candidate has been false information certificate are it found to have कंसील्ड सम एडमिशन विल बी विदाउट एनी नोटिस तो ये जनरल इसमें वार्निंग दी गई है इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा मेन इसका फीस स्ट्रक्चर है और शेड्यूल आपको बता दिया है इसी तरह इन्होंने डेंटल का भी निकाला है डेंटल का शेड्यूल भी देख लीजिये इसके अलावा स्ट्रे वैकेंसी नोटिस यही पर डेंटल के लिए भी निकाली गई है दोस्तों जेएसएस के अलावा जेएसएस ने डेंटल क्ले भी निकाली है तो आप उसको भी देख लीजिए इसके जो मोपअप राउंड की काउंसलिंग है ये सात जनवरी से पंद्रह जनवरी के बीच में होनी है इसमें भी सेम वही इंस्ट्रक्शन दिए खाली इसमें बी की जो है अड़तालीस सीटें वैकेंट हैं और सीट्स वैकेंट जो अंडर एनआरआई कैटेगरी में पंद्रह सीट्स हैं तो, तो दोस्तों इसमें फोर्टी एट सीट्स हैं आपकी इंडिया मेरिट कैटेगरी में और पंद्रह सीट्स एन आर आई कैटेगरी में है तो उसका भी काउंसलिंग शेड्यूल बता देती हूँ सात जनवरी को थर्सडे से पंद्रह जनवरी तक है एक हफ्ते का टाइम है आज से ही शुरू हो गया था इसका टाइम जो है साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक है और ग्यारह बजे के बाद इसकी काउंसलिंग स्कीम आ जाएगी रिपोर्टिंग वेन्यू इसका भी जे एस एस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जे एस एस डेंटल कॉलेज में ही है सुबह दस बजे से प्रोसीजर और बाकी सब चीज़ें सेम है बस इसमें फीस का है तो फीस मैं आपको बता देती हूँ इसमें कितनी फीस लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये और बता देती हूँ दोस्तों इसमें जो फीस लगेगी आपकी हॉस्टल फीस बता देती हूँ मेल के लिए वही है वन लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव थर्टी फीमेल के लिए वन लैख फोर्टी एट थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव और इसकी जो फीस है वो तेरह हजार रुपये से लेके यूएसडी की तेरह हजार है और वैसे रुपीज में नौ लाख रुपए है ठीक है और अड़सठ हजार रुपये उसकी अलग से लगेंगे ईयरली तो टोटल हो गई तेरह हजार प्लस अड़सठ हजार मिला के या तेरह हजार को डॉलर में है, तो उसमें यूएसडी में है रुपीस में नौ लाख है तो नौ लाख और सिक्सटी एट थाउजेंड मिल के नाइन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड बी की फीस है बाकी सारे स्ट्रक्चर वैसे ही है वार्निंग और जो काइंडली नोट दिया हुआ है और आपको बता दो बैंक अकाउंट जो डिटेल है इसमें जे एस एस यूनिवर्सिटी फी एंड जूमिनरेशन अकाउंट के थ्रू इसमें फ़ीस भरी जाएगी अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और आई एफ सी कोड वगैरह दिया हुआ है आप जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देख लीजिए औरिजिनल क्या क्या चाहिए यू नीट यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी हेल्थ टिकट एडमिट कार्ड यानी आपका रैंक लेटर या फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो अगर रैंक लेटर ना आया हो तो यानी स्कोर कार्ड और एस एस एल सी टेंथ मार्क्स की सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, ट्वेल्थ की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसको कंडक्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अदर देन कर्नाटका कैंडिडेट्स ओनली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ़िजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फी रिमिटेंस डिटेल्स चाहिए कॉपी ऑफ़ आधार कार्ड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द पेरेंट एट पासपोर्ट साइज़ एंड एट स्टैम्प साइज़ फ़ोटोज़ बॉन्ड एज़ पर फॉर्मेट फंड एम एमसीसी सी वेबसाइट फिज़िकली हैंडी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए और ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग आपको ये सारे ओरिजिनल ले जाने हैं ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी जे एस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की आ, मैसूर का है ये कर्नाटका का तो अगर आप यहाँ पर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं एम की तो कम लेकिन BDS में Uh, सीट्स इसमें हैं और एनआरआई कोटे में भी हैं जो कि अगर बच जाती हैं तो वो जनरल कोटे में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी तो बी बी डी एस की अड़तालीस सीट है और एम की तीन है तो अगर आप यहाँ काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू